नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। आज हम आपको उस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। वो वैज्ञानिक जिसने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने का सर्वप्रथम सपना देखा, वो साइंटिस्ट जिन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपना भाई मानते थे। बात 1944 की है जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। देश गुलामी की जंजीरों से जरूर जकड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद एक दूरदर्शी इंसान ने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने का सपना देख लिया। वो कोई और नहीं, महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा थे। भाभा के सपने के दम पर भारत ने कैसे अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया, ये आपको आगे बताएंगे। पहले होमी जहांगीर भाभा की शुरुआती कहानी जान लीजिए। 30 अक्टूबर 1909 में मुंबई के एक अमीर और प्रसिद्ध पारसी वकील जहांगीर भाभा के घर में होमी का जन्म हुआ। जहांगीर भाभा उस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके भारत में वकालत कर रहे थे। वो टाटा इंटरप्राइजेस से भी जुड़ चुके थे। जहांगीर भाभा के पुत्र होमी भी शुरू से कुशाग्र बुद्धि के थे। उनका मन फिजिक्स और गणित में ज्यादा लगता था। होमी ने कैथेड्रल स्कूल मुंबई से स्कूलिंग की, उसके बाद एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी पूरी की। 1927 से 1930 तक होमी भाभा ने कैम्ब्रिज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। यहीं से उन्होंने 1934 में डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। होमी भाभा के पिता जहांगीर भाभा अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे ताकि वो टाटा के साथ जुड़ सके, लेकिन होनहार होमी थ्योरेटिकल फिजिक्स और मैथमेटिक्स पर आगे बढ़ रहे थे। कैम्ब्रिज से ही एक दिन 18 साल के होमी ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी और कहा, मैं गंभीरता से आपसे कहता हूँ कि बिजनेस और इंजीनियरिंग की नौकरी मेरे बस की बात नहीं है। ये मेरे स्वभाव के ठीक उलट है और मेरी राय से बिल्कुल जुदा। फिजिक्स मेरी राह है, मुझे पता है कि मैं जरूर यहाँ कुछ अच्छा करूंगा। यूरोप में स्कॉलरशिप पर यात्रा करते हुए होमी भाभा ने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों से संपर्क बढ़ाया। वहीं पर भाभा ने इलेक्ट्रॉन पोजिशनिंग स्कैटरिंग प्रोसेस की खोज की, जिसे भाभा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। 1939 में होमी जब छुट्टियों पर थे तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, इसलिए उन्हें भारत ही रुकना पड़ा। कुछ वक्त बाद वो बेंगलोर के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस में रीडर पद पर नियुक्त हुए। यहाँ होमी भाभा ने कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया। 1941 में सिर्फ 31 साल की उम्र में डॉक्टर भाभा को रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुन लिया गया। ये किसी भी भारतीय वैज्ञानिक के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भाभा ने 1944 में एक प्रस्ताव दिया और 1945 में JRD टाटा की मदद से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की स्थापना की। यहीं आगे चलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना। बाद में भाभा इसके डायरेक्टर बने। ये डॉक्टर होमी भाभा ही थे जिन्होंने भारत के वैज्ञानिकों से भारत लौटकर सहयोग देने की अपील की, जिसे मानकर मशहूर भौतिक वैज्ञानिक इस चंद्रशेखर TIFR में आए। साथ ही मैनचेस्टर की इंपीरियल केमिकल कंपनी में काम करने वाले होमी नैशेरवानजी सेठना भी भारत लौटे। आजादी के एक साल बाद साल 1948 में होमी भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ होमी भाभा के पारिवारिक रिश्ते थे। कहा जाता है कि नेहरू को होमी भाई कहकर पुकारते थे। नेहरू के सहयोग से भाभा ने खुलकर काम किया। होमी भाभा को 5 बार फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन यह अवार्ड उनकी झोली में नहीं गया।
साल 1954 में भारत सरकार ने डॉक्टर भाभा को पद्मभूषण सम्मान से नवाजा। 1964 में 10 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलने के बाद भाभा ने 3 स्टेज में न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम तैयार किया। भाभा ने एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना की, उस दिशा में परमाणु कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाया, लेकिन भारत को महाभारत देखने से पहले उनका असमय निधन हो गया। तारीख 24 जनवरी 1966। होमी जहांगीर भाभा मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के बोइंग 707 में सफर कर रहे थे। इस बीच प्लेन स्विट्जरलैंड में अलाप्स की पहाड़ियों में माउंट ब्लांक्स के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में सवार सभी 117 लोगों की मौत हो गई। होमी जहांगीर भाभा वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वियना जा रहे थे। हालांकि इस हादसे के बाद कई जगह खबरें छपी कि इस हादसे के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA है। जुलाई 2008 में tbrnews.org नाम की एक वेबसाइट ने पूर्व CIA अफसर रॉबर्ट क्राउली से बातचीत के आधार पर खबर छापी और लिखा, भारत ने 60 के दशक में परमाणु बम पर काम करना शुरू कर दिया था, जो हमारे लिए समस्या थी। इस बातचीत में क्राउली ने भाभा को खतरनाक बताया और ये भी कहा कि भाभा जिस वियना की उड़ान पर थे उससे परेशानी और बढ़ती, इसी उड़ान के दौरान विमान के कार्गो में रखे बम में विस्फोट हो गया। डॉक्टर भाभा के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए GRD टाटा ने कहा, होमी भाभा उन 3 महान हस्तियों में से एक हैं जिन्हें मुझे इस दुनिया में जानने का सौभाग्य मिला। इनमें से एक थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे महात्मा गांधी और तीसरे थे होमी भाभा। होमी न सिर्फ एक महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे बल्कि एक महान इंजीनियर, निर्माता और उद्यान कर्मी भी थे। इसके अलावा वो एक कलाकार भी थे। वास्तव में जितने भी लोगों को मैंने जाना है और उनमें से ये 2 लोग भी शामिल हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, उनमें से होमी अकेले शख्स हैं जिन्हें संपूर्ण इंसान कहा जा सकता है। तो ऐसे थे होमी जहांगीर भाभा। ये अगर ना होते तो भारत आजादी मिलने के इतने कम समय में परमाणु संपन्न देश नहीं बन पाता।